टुडे मैं जावेद अंसारी अशोक मौर्य के साथ मैं मौजूद हूँ परशुराम आश्रम में। जी हाँ, ये वही परशुराम आश्रम है जिसको आज से कुछ दिन पहले प्रशासन ने बेवजह ढा दिया था, जबकि यहाँ के लोगों ने साफ तौर से कहा था इस आश्रम को ले लिया जाए, प्रशासन जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करे। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं आज उन तमाम लोगों से बात करूँगा, जानने समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों। एक ऐसे व्यक्ति का आश्रम जिसका उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत तक है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ तमाम एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो यहाँ बताएं। ये बताइए, जिस तरीके से प्रशासन ने इसको ढा दिया, अब आगे क्या? राम जी की इच्छा से एक आश्रम को नहीं ढाया, इन्होंने हिंदू धर्म पर नाम आघात किया है। इन्होंने राम जी की इच्छा से ये चुनौती दी है कि हम किसी भी आश्रम को, किसी मंदिर को राम कभी भी गिरा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब राम जी की इच्छा से इसका प्रतिकार किया जाएगा और जहां जब जैसी ज़रूरत होगी उस प्रकार से इनको जवाब दिया जाएगा। आप जैसे चित्रकूट से आए हैं तो यहां पर क्या माना जाए, कब तक आप रहेंगे और किस तरीके से? हम सब यहां अन्यायियों को दंडित करने के लिए, भगवान से न्याय मांगने के लिए यहाँ आए। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर रहेंगे, न्याय की बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर शनि का मंदिर था, भगवान परशुराम जी का मंदिर था। ये बहुत कम, देश में बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पर इस तरीके के मंदिरों की स्थापना की गई। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बाहर के संत महात्मा जी लोग आए, मैं उनसे भी चाहूँगा, बताइए क्या चाहते हैं बाप? हम लोग ये चाहते हैं कि ये भव्य मंदिर बने। जबलपुर से आए हैं, हमारे समाज सेवा हो रही थी, संतों ने यहाँ तपस्या करके आश्रम बनाया और आप सबका उसमें इतना सहयोग रहा, भव्य आश्रम बना, यज्ञ हुआ, इतना विशाल यज्ञ हुआ, तब प्रशासन कहाँ सो रहा था, क्यों बैठने दिया हम लोगों को? और जब हम लोग बैठ गए तो हम तप नहीं करने पाएंगे, यज्ञ नहीं करने पाएंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे, भक्तों को यहाँ दर्शन नहीं करने देंगे, तो किस लिए आश्रम होते हैं? इसीलिए आश्रम होते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है भगवान से कि उनको सद्बुद्धि दें प्रभु, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो आए और भव्य रूप दे करके इस आश्रम को बनाए। यही हमारी मांग है। मैं स्वामी राजा रामाचार्य, जबलपुर। जबलपुर से आए स्वामी जी का साफ तौर से कहना था कि जब आश्रम ही नहीं होगा तो कहाँ पर भक्तों को हम प्रवचन देंगे, कहाँ उनको हम धर्म की बात करेंगे। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी कोई कुछ बोलना चाहता हो? महाराज जी बताइए क्या चाहते हैं बाप? हम चाहते हैं ये आश्रम बनना चाहिए और बने, पुनः नवीनीकरण हो और सभी जो है यहाँ के जनमानव जीवा के एकजुट हो करके और इस भगवान के आश्रम को तत्काल बनना चाहिए, और यही मेरा कथन है। आश्रम को तत्काल बनना चाहिए, भगवान का यहाँ पर पूजा अर्चना होनी चाहिए लोगों को यहाँ पर। जी बताइए सर। काशी में लाखों करोड़ों में दीप दान हुआ, सियाओं और पीएम आ करके देश विदेश को भारतीय संस्कृति का संदेश दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति पे जो नर्मदा के तट पर, गंगा के तट पर, यमुना के तट पर रेवा खंड के नाम से जानी जाती, ये गुप्त काशी बिंद की धारा में जो भी सत्ता और शासन में बैठे हुए समाज के लोगों ने जो भी कुकृत्य किया है, इसको शीघ्र यथावत सुंदर भव्य रूप दे दिया जाए, अन्यथा ऐसा आक्रोश जनता में है कि खूनों से लिख करके पत्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। साफ तौर से यहाँ पर यह कहना है कि भव्य आश्रम बनाया जाए, प्रशासन बिल्कुल इसको जिम्मेदारी समझे अपनी। बहुत सारे ऐसे आश्रम है जो सरकारी जमीन पड़ी। दो मिनट रुकिए। मेरा आपसे केवल एक सवाल है कि जैसा आज अंग्रेजी उसके हिसाब से नया साल लगा, तो नए साल में आप अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चा ऐसा है, हम अंग्रेज है नहीं। जी 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 जी, हमारा नया साल है नहीं। जी जी जी, हाँ, एक ही नई चुनौती जरूर हमारे सामने है जी, और इस चुनौती का पुरजोर जीने से मरने तक इसका जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा जब तक यहाँ पर पूरी तरीके से यह प्रशासन ये तय नहीं कर लेता। मैं आपको बताऊं, परशुराम जी के बारे में मैं आपको बताऊं, उनका उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत तक है।
उन्होंने अपने चार भाइयों और माता का गला भी काटा था, फिर उसके बाद पिता के आज्ञा था और पिता से ये आशीर्वाद भी लिया था वापस उनको जीवित कर दिया जाए और उनको इस बात का ज्ञान भी मिला। साथ ही शिव ने, भगवान शिव ने उनका नाम परशुराम रखा था। ऐसे व्यक्ति का मंदिर यहाँ पर बना था, उनके नाम से आश्रम बना था, जिसको तोड़ दिया गया है। जन आक्रोश यहाँ पर काफ़ी तेजी से दिखाई दे रहा। अब देखना है, नया साल भी लग गया, अब प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई करेगा या यहाँ पर जो भी साधु महात्मा लोग तमाम, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आए हुए हैं, जो भी अगला कदम होगा उसकी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को अशोक मौर्य के साथ दीजिए इजाज़त।